आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पिए जा रहे काढ़े की ओवरडोज से पेट में अल्सर और जलन की दिक्कत हो रही है। पेट में जलन और अन्य परेशानी होने पर लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि काढ़े की ओवरडोज से ये परेशानी हो रही है। लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन डॉक्टर प्रशांत पारिक ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पिए जा रहे काढ़े के ओवरडोज से पेट में अल्सर और जलन की दिक्कत हो रही है। पेट में जलन और अन्य परेशानियां होने पर लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। जांच में डॉक्टरों ने पाया कि काढ़े की ओवरडोज से ये परेशानी हो रही है। ये बात ठीक है कि काढ़े जो होते हैं उसका कुछ इम्यूनिटी को बूस्ट करने का रोल होता है। उसमें जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं, हल्दी, लौंग, काली मिर्च आदि, उससे बहुत फ़ायदा होता है। शहद भी बहुत फ़ायदा करता है। आयुर्वेदिक जगत में इसका काफ़ी बखान है। एक मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं तो केवल यही कहूँगा कि इसका एक बैलेंस्ड प्रयोग अच्छा है, फ़ायदे के लिए है, लेकिन किसी भी चीज़ को अति में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसको दिन में बहुत बहुत बार ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़े बना के पी रहे हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं उनके, जैसे कि गैस्ट्राइटिस की बीमारी, पेट में एसिड आदि का बनना, ये बढ़ गया है। काली मिर्च, काफ़ी कुछ अन्य मसाले, काफ़ी गर्म तासीर की चीज़ें इसमें होती हैं कई बार, उसकी वजह से पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन डॉक्टर प्रशांत पारिक ने बताया कि काढ़े की ओवरडोज से पेट में जलन की शिकायत होने लगी, निगलने में दर्द भी होता है। चिकित्सकों को बताया तो उन्होंने बताया कि काढ़े का सही अनुपात है कि दिन में दो या तीन बार ही उपयोग किया जाए। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।